दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में इलेक्ट्रिक बस के बहुस्तरीय डिपो की आधारशिला रखी। सक्सेना समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि गहलोत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अधिकारियों का दावा है कि यह भारत का सबसे बड़ा बस डिपो होगा। इसी दौरान दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस डिपो के शिलान्यास समारोह में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, मैं परिवहन मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि एक खूबसूरत शुरुआत हुई है। 7,50,000 वर्ग फीट में बन रहा आधुनिक बस डिपो 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 409 करोड़ रुपए है। यहां 435 बसें खड़ी की जा सकेंगी और 250 कारों के लिए कार पार्किंग की सुविधा होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि आज जो शुरुआत हुई है बहुत सुंदर हुई है। 7,50,000 स्क्वायर फीट में ये मॉडर्न बस डिपो जो बन रहा है वो 2 साल में बनकर तैयार होगा और इसकी कीमत करीब 409 करोड़ रुपए है और इसमें 435 बसेस जो हैं पार्क हो सकेंगी। उसके साथ साथ करीब 250 कार पार्किंग की भी फैसिलिटी है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहां हर चीज जो है बिल्कुल अव्वल नंबर की होनी चाहिए, टॉप क्लास होनी चाहिए। ये एक बहुत सुंदर शुरुआत हुई है और इसकी जो टाइमलाइन है जो एनबीसीसी से बना रहा है 2 साल है और अगस्त 2026 में मैं समझता हूँ कि इसका इनॉग्रेशन भी होगा। आज इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सुंदर शुरुआत है।